हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन बाय अभिषेक, और मैं हूं आपका इन्फॉर्मेशन एक्सपर्ट। हम आपके लिए लाते हैं नर्सिंग से जुड़ी सभी तरह की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज़ प्रेस दी बेल बटन। नोटिफिकेशन से जुड़ी PDF देते हैं हम अपने टेलीग्राम चैनल इन्फॉर्मेशन बाय अभिषेक पर। अगर वो आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रिक्रूटमेंट ऑफ सिविलियन पर्सनल इन इंडियन नेवी 2022, हेडक्वार्टर्स वेस्टर्न नेवल कमांड, मुंबई की तरफ से रहने वाली है। इंडियन नेवी इनवाइट एप्लीकेशन फॉर द बिलो मेंशन पोस्ट फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट टू अप्लाई। वेरियस पोस्ट हैं, चलिए चलते हैं और देख लेते हैं स्टाफ नर्स के लिए इसमें क्या अपॉर्चुनिटी दी हुई है। जनरल सेंटर सर्विस ग्रुप B&C, नॉन रजिस्टर्ड, नॉन मिनिस्ट्रियल एंड नॉन इंडस्ट्रियल, ये वैकेंसी रहेंगी। स्टाफ नर्स, नर्स सिविलियन सिस्टर क्लासिफाइड एज ग्रुप बी की ये वैकेंसी रहने वाली है। आपका जो पे लेवल रहने वाला है वो मैट्रिक्स लेवल 7 का रहने वाला है, जो कि 44,900 से लेकर 1,42,400 तक आपकी सैलरी रहने वाली है। टोटल इसमें 3 पोस्टें हैं, EWS के लिए 1, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2। एज एंड रेजिडेंशियल डिजायरेबल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं हम लोग। स्टाफ नर्स के लिए मिनिमम एज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज 45 ईयर्स इसमें दे रखी है। GNM एंड BSc नर्सिंग कैंडिडेट आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, और आपको हिंदी और लोकल लैंग्वेज की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, शॉर्टलिस्टेड जो कैंडिडेट होंगे उनका एडमिट कार्ड भेजा जाएगा रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के द्वारा। उसी पर मेंशन होगा एग्जामिनेशन का डेट, टाइम और वेन्यू। ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट फॉर ऑफलाइन एप्लीकेशन, ये जो वैकेंसी है इसमें अप्लाई करने के लिए आपको ऑफलाइन अप्लाई करना होगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन की जो रहने वाली है वो है 28/9/2022, वो है 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट। जो कैंडिडेट आसाम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख, डिवीज़न ऑफ जम्मू कश्मीर स्टेट, लाहौल एंड पंगी, चंबा डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप के हैं, उनके लिए जो लास्ट डेट रहेगी वो 5/10/2022 डेज रहेगी फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट। हाउ टू अप्लाई, आपको इनका जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है उसका प्रिंट लेना होगा एक A4 साइज गुड क्वालिटी पेपर पर, और उसको हैंड रिटन या टाइप भी आप कर सकते हैं, जो कि नीटली क्लीन होना चाहिए। और आपका जो लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर फोटो होगा वो आपको सेल्फ अटेस्ट करना होगा, जो फेस को कवर ना करें। और एनवलप पर आपको लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो, और आपको सेंड कर देना होगा इनके एड्रेस पर, जो कि रजिस्टर्ड और स्पीड पोस्ट के द्वारा आप करेंगे। इनका जो एड्रेस है वो रहेगा द फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ फॉर CCPO हेडक्वार्टर्स वेस्टर्न नेवल कमांड, बलराड स्टेट, नियर टाइगर गेट, मुंबई 400001। 2 एडिशनल पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स आपको सेंड करनी होगी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, जिसका कि बैकग्राउंड ब्लू होना चाहिए और आपकी आईज़ और फेस कवर नहीं होना चाहिए उसमें। बैक साइड आपको फ़ोटोग्राफ्स के पीछे सिग्नेचर करने होंगे, यानी अटेस्ट करके आपको साथ में भेजना होगा, और वो फ़ोटोग्राफ मैच होनी चाहिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म पर अटैच करी है उससे। आपको सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ ऑफ सर्टिफिकेट सेंड करनी होगी। एप्लीकेशन फॉर्मेट डाउनलोड करने के लिए आपको विजिट करना होगा इनकी वेबसाइट पर, जो है www.indiannavy.nic.in, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम उस पर भी आपको वो जो एप्लीकेशन फॉर्मेट होगा वो प्रोवाइड कराएंगे। आपको सेल्फ एड्रेस लिखा हुआ एनवलप भी साथ में भेजना होगा, जिसका साइज़ 23x13 सेंटीमीटर होना चाहिए, और उस पर आपको पोस्टेज स्टैम्प लगा कर देना होगा 45 रुपीज़ का। ये इनका एप्लीकेशन फॉर्मेट है, आप देख सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और भी काफ़ी परफॉर्मा है इसके अंदर, वो आप चेक कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले आप इनकी टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे से रीड कर लीजिएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे साथ कनेक्ट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।